जनपद लखीमपुर खीरी से सटे भारत नेपाल सीमा पर बसही बाजार वैसे तो हर समय नेपाली नागरिकों के बाजार में आने से गुलजार रहता है, लेकिन बीते 10 दिनों से नेपाली नागरिकों के बसही बाजार में न आने के कारण बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। नेपाल सरकार ने भारत में बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी दाएं बाएं के रास्तों से नेपाल के गरीब नागरिक बसही बाजार में सामान खरीदने के लिए आया करते हैं, क्योंकि नेपाल में रोजमर्रा की चीजें ऊंचे भाव में होने के कारण नेपाल का गरीब नागरिक बसही बाजार में आता है, लेकिन नेपाल की APF फोर्स द्वारा रोके जाने के कारण नेपाली नागरिकों का आना जाना बंद हो जाने के कारण बसही बाजार के व्यापारियों के आगे काफी दिक्कत खड़ी हो गई है। संजय सिंह, मैं व्यापार मंडल महामंत्री तहसील पलिया। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये अपने इंडिया में जो बसही बाजार पड़ता है लखीमपुर खीरी के नेपाल सीमा के करीब, तो क्या मामला है? जैसे कि आज बाजार में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और नेपाली नागरिकों का बिल्कुल भी जमावड़ा नहीं लगा है, क्या कहना चाहेंगे? ये नेपाल के जो APF हैं उनके द्वारा वहाँ के नागरिकों को रोका जा रहा है, तमाम तरीके के रूमर उड़ाए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं कि बंद है, कोरोना है और वहाँ जाओगे तो मार पीटे जाओगे, ये तमाम प्रकार के रूमर, तमाम प्रकार के अफवाह उड़ाए जाते हैं ताकि नेपाली नागरिकों का जो है बसही जाने से किसी तरीके से रोका जाए। कोई रीजन नहीं बता रहे हैं क्यों रोक रहे हैं? अरे भाई, दवा लेने जा रहे हैं, किसी काम से आ रहे हैं। जनपद लखीमपुर खीरी से सटे भारत नेपाल सीमा के अंतर्राष्ट्रीय पिलर संख्या 200 और 201 के मध्य आज हिंदुस्तान न्यूज 24 की टीम ने सर्वे किया। सर्वे के दौरान ये जानकारी मिली कि नेपाल सरकार की APF फोर्स नो मैंस लैंड पर तैनात है। बसही बाजार के व्यापारियों का, कुछ नेपाली नागरिकों से हमने जानकारी करी तो उन्होंने बताया कि APF फोर्स हमको बसही इंडिया बाजार जाने पर रोक दी है। लोगों का कहना है, नेपाली नागरिकों का कहना है कि नेपाल की बदौलत बसही भारत की बाजार में हमको सामान सस्ते दामों में उपलब्ध हैं, इस कारण हम जो है बसही बाजार जाते हैं, लेकिन APF की जो है मौजूदगी होने के कारण हम बसही नहीं जा पा रहे हैं। हमारे साथ एक नेपाली नागरिक है, आइए हम उनसे बात करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर, बॉर्डर के सामने। तो आप बसही जो खरीदारी करने जाते हैं किस कारण से जाते हैं? आपको क्या नेपाल में सामान महंगा मिलता है, इस कारण बसही जाते हैं? थोड़ा सस्ता मिलता है और इसीलिए 2-4 रुपया जो भी बताना चाहेगा इसीलिए जाते हैं हम लोग। जैसे चीनी का भाव हमारे यहाँ पे आपको बसही में 50 से 60 रुपये नेपाली मुद्रा में मिल जाता है, वो आपको जो है नेपाल में किस रेट से मिलती है? 80-85 हजार। और जो है आलू किस रेट से मिलता है? आलू भी वही 40-50। हमको APF के जवान भी रोक रहे हैं यहाँ पे कवरेज करने से, रोक रहे हैं, ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, नेपाली नागरिकों को भी रोक रहे हैं, इंडिया मीडिया को भी रोक रहे हैं। हिंदुस्तान न्यूज 24 से नवीन भसीन, लखीमपुर खीरी।